सभी का स्वागत है आपके अपने फ्री स्टडी चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, मैं इसकी एक क्लास डाल चुका हूँ मैथ की, ठीक है। और जितने भी बच्चे टेक्निकल की जो तैयारी कर रहे हैं, मैं टेक्निकल की साथ में तैयारी करा रहा हूँ, मगर जो बेसिक मैथ है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि उसमें 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम है तो कंपटीशन ज़्यादा है। अगर आपको कंपटीशन ज़्यादा में अच्छा स्कोर करना है, तो आपको मैथ और जीएस रीजनिंग वगैरह लेकर के चलनी चाहिए साथ में, ठीक है। और रीजनिंग की बात करूं मैं, रीजनिंग वगैरह की, तो उसकी क्लास आगे जाकर स्टार्ट हो जाएंगी, मगर जो जीएस का पोर्शन है वो इस पर आप जो फ्री स्टडी चैनल है वहां पर आप करंट अफेयर और जीएस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैथ यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, मैथ टेक्निकल वाले बंदों के लिए भी है, ठीक है। जो स्टूडेंट टेक्निकल, जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल है, जो मेट्रो वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी मैथ का पोर्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो आपने ट्रेडिशनल जो मेथड है वो पढ़ रखा होगा, उसी से मैं आपको जो शॉर्ट तरीके होते हैं जितने भी क्वेश्चन करने के, वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका जो टाइम है वो कंज्यूमिंग, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो उसमें आप कम से कम टाइम दे पाओ, ठीक है। क्योंकि जितना आप कम टाइम दोगे क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है, कई बच्चों का आंसर सही नहीं आता, ठीक है, किसी को कैलकुलेशन से डर भी लगता होगा, तो वही यहाँ पर हम टैकल करेंगे, तो वही हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश करेंगे, और जितना आसान किया जाए उतना आसान करेंगे। और कैसे हम जल्दी क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, 4 ऑप्शन में से एक को टिक करना होता है, कैसे हम उसमें से जल्दी कर सकते हैं टिक, ठीक है, सब यही देखने वाले हैं। तो टेक्निकल के बंदे जितने भी हैं, स्टूडेंट जितने भी हैं, मैं प्रेफर करूंगा कि आप मैथ भी की जो वीडियो है उसको भी देखो, उससे भी आप कुछ सीखने की कोशिश करो, क्योंकि कंपटीशन हाई है तो आपको मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, मैथ को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप मैथ को छोड़ दो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन, ठीक है, कर दिए थे, नेक्स्ट ये पहले की वीडियो में हो चुके हैं, वहाँ पर वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए हो गई है क्योंकि वहाँ पर जो मैंने बेसिक मैथड है वो भी डिस्कशन किया है, बेसिक फॉर्मूले भी वहाँ पर मैंने डिस्कशन किए हैं। अगर कोई ये वीडियो डायरेक्ट देख रहा है तो मैं उससे कहूँगा कि वो पहले वीडियो जो पहले वाली है उसको देख लें, फिर इस पर आए, तो उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक जो जिससे करा रहा हूँ वो यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, फिर वो देखना है, इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन में हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में बोल देता हूँ, वैसे मेरे पर क्वेश्चन ही इंग्लिश में है तो इंग्लिश में मैंने लगा दिया, ठीक है। कह रहा है ए और बी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 दिन। कह रहा है ए और बी, ठीक है, दोनों अलग अलग काम करते हैं, ए करता है 6 दिन में, जो जो दिया जाए वो लिख देना है यहाँ पर, ए करता है 6 दिन में, ठीक है, और बी करता है हमारा 12 दिन में, बी करता है 12 दिन में, ठीक है, बी करता है 12 दिन में। कह रहा है हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर वर्क टू डू द वर्क, कह रहा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, दोनों साथ में मिलकर। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था समझने के लिए किसी चीज को, जैसे एक ये है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ठीक है, और ये बॉक्स है, 4 बॉक्स यहाँ पर मैंने बना दिए, ठीक है, और यहाँ पर 2 लड़के हैं, एक लड़का ये है और एक लड़का ये है, दोनों अलग अलग काम करते हैं, ये लड़का इस बॉक्स को उठाकर कहीं जगह पर रखना है, यानी कि कोई काम करना है, ठीक है, ये काम क्या है, बॉक्स को रखने का काम है, ये काम करना है, तो ए जो है वो 6 दिन लेता है, ये इस काम को करने में 6 दिन लेगा, ये बॉक्स यहाँ पर रखने में 6 दिन लगेगा, ठीक है, और ये जो बॉक्स हैं, अगर ये बी है तो ये इनको 12 दिन में कर पाएगा, तो ये बॉक्स रखने का काम ये 12 दिन में, मतलब ये ऑल लेट कर पाएगा। अगर ये दोनों काम मिलकर करते हैं, बॉक्स हमारे पास कितने हैं, बॉक्स हमारे पास 4 ही हैं, ठीक है, ये 4 ही बॉक्स हैं हमारे पास, इसको ये इतने दिन में कर रहा है, इस बॉक्स को उठा के ये इतने दिन में कर रहा है, ठीक है, वहां पर पहुंचा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको जो टाइम है वो दोनों का अलग अलग रहा है, अगर दोनों एक ही साथ जुट जाए, यानी कि एक ही साथ काम करना स्टार्ट करें, तो इनकी जो एफिशिएंसी है, इनकी कार्य क्षमता है वो दोनों की बढ़ जाएगी, दोनों की मतलब इसकी आप कुछ भी मान लीजिए, इसकी मान लोगे तो दोनों प्लस हो जाएंगी, ठीक है, दोनों प्लस हो जाएंगी तो इनकी ताकत प्लस हो जाएगी, उतनी ज़्यादा ताकत से काम कर पाएंगे, एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे, कार्य शक्ति से काम कर पाएंगे, ठीक है। जब भी कोई चीज़ अगर आप ज़्यादा कार्य शक्ति से करो और काम आपके पास लिमिटेड है, मतलब काम उतना ही है
और आप अपनी काम करने की क्षमता को अगर बढ़ा दोगे तो लगने वाला समय पहले से कम लगेगा। कहने का मतलब ये है कि पहले जब ये 4 बॉक्स को 6 दिन में करता था, 6 दिन में मतलब लेके जाता था, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये 4 बॉक्स कम दिन भर लेके जा पाएंगे, क्योंकि दिन कम हो जाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कार्य क्षमता जब बढ़ा दोगे तो अपने आप ही दिन जो है वो कम लगेंगे। ठीक है, वैसे ही इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, मैंने क्या कहा था, अगर मान लीजिए आपको एलसीएम नहीं आता तो या तो आप ये देख लीजिए, एलसीएम वैसे आना चाहिए, आप क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन को तैयारी करें तो एलसीएम आपको बेसिकली आना चाहिए, ये 12 है। या तो आप लीस्ट कॉमन फैक्टर इस तरीके से देख सकते हो कि 6 के पहाड़े में और 12 के पहाड़े में कौन सी डिजिट सबसे छोटी आती है, इस तरीके से देख सकते हो। या मैंने दूसरा तरीका ये बताया था, जो 6 है उसको इस तरीके से लिख दीजिए, तोड़ के लिख दीजिए, फ्रिक्शन फॉर्म में लिख दीजिए, और 12 को भी आप तोड़ कर लिख दीजिए। ठीक है, 12 को आप लिख सकते हो 2 × 2, ये तो 4 हो गया। ठीक है, × 3 करोगे तो ये हो गया 12। अब इसमें और इसमें जो सबसे ज़्यादा डिजिट हैं, जैसे 2 और 3 सबसे ज़्यादा है, तो वो वहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब इनमें से जो सबसे अलग था वो, यानी कि 3, 3 हमने रख दिया, और सबसे ज़्यादा डिजिट 2 की थी तो वो 2 हमने यहाँ पर रख दिया। अब सिंपल देखना है यहाँ पर क्या नहीं है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। पहले इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 2 और 2 है 3 है, यहाँ पर भी 2 है 3 है, मगर यहाँ पर 2 ज़्यादा है तो यहाँ पर 2 रख देंगे। यहाँ पर सब और यहाँ पर जो जितनी भी डिजिट है वो सब यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 1 आ जाएगा, क्योंकि सभी हैं यहाँ पर। ठीक है, अब 2 and 2 3 6 2 12, ठीक है, तो ये 12 के इक्वल आना चाहिए, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, जाहिर सी बात है इसकी मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, तो जो आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। या तो आप इसके इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पर जो देखोगे आप 6 के पहाड़े में 12 आता है, 12 के पहाड़े में 12 तो आता ही है, 6 के पहाड़े में 12 आता है तो वो 2 बार आता है, 2 बार में आता है, और 12 के पहाड़े में 12 एक बार में आता है, तो यहाँ पर जो ये कर ये निकल करके आई है, ये जो जितने बार में जाता है वो इसकी एफिशिएंसी निकल करके आती है। अब यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी तो निकल गई, ठीक है, और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था दोनों की क्षमता कितनी है काम करने की, पहले ये तो पता चले। अब हमें पता चल गई इसकी तो भाई काम करने की क्षमता 2 की है और इसकी 1 की है। अब दोनों क्या करेंगे, प्लस कर जाएंगे, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, दोनों की क्षमता को जोड़ दिया जाएगा, तो क्षमता कितनी हो गई, a+b की 3 हो गई। ठीक है, ए की 2 थी, 2 की स्पीड से काम कर रहा था, और बी की कितनी थी, 1 थी, तो ये हो गई हमारे पास 3 की क्षमता से काम करेंगे। अब टोटल काम क्या है, टोटल काम होता है जो अपने एलसीएम निकाला है, जो एलसीएम निकल कर क्या है वो होता है पूरा काम, उनका टोटल काम, तो टोटल काम कितना है, 12 काम है टोटल, टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क है कितना, 12। ठीक है, और काम कितना, एफिशिएंसी से कितना करना, एफिशिएंसी है भाई 3, एफिशिएंसी है कितनी, 3। जब इसको वर्क अपॉन एफिशिएंसी से जब आप काटते हो, वर्क अपॉन कार्य क्षमता से काटते हो, कार्य अपॉन कार्य क्षमता से काटते हो, तो जो अपना टाइम है वो आ जाता है, तो कितने दिन लगेंगे दोनों को इकट्ठा, अगर वो काम करते हैं तो 4 दिन यहाँ पर लगेंगे, तो 4 सीधा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और इसको और इजी तरीके से किस तरीके से किया जा सकता है, आपको मैंने बेसिक फॉर्मूला है जो मैंने बता दिया, जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, और किस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, और मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूँ आप भी उस तरीके से कर सकते हो। आप यहाँ पर क्वेश्चन में ही देखना है इसको, ठीक है, क्वेश्चन में ही देखना है, यहाँ पर 6 दिखेगा आपको, ए जो काम कर रहा है वो 6 दिन में कर रहा है, बी जो काम कर रहा है वो 12 दिन में कर रहा है। अब मेरे को पता है कि इसका एलसीएम निकालने पर इसका कार्य निकल जाता है, एलसीएम में देखूंगा कि 12 ही आएगा एलसीएम, तो इसका तो 12, यानी कि इसका वर्क हो गया 12। अगर मैं एफिशिएंसी देखूंगा, मैंने कि 12 के पहाड़े में तो 12 एक बार में आता है, यानी कि एक एक जो एफिशिएंसी होगी वो बी की होगी, और 6 के पहाड़े में 12 2 बार में जाता है, ठीक है, तो यानी कि जो बी की ए की एफिशिएंसी होगी वो 2 हो गई, और दोनों को साथ में काम करना है, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देना, यानी कि 3 आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यहाँ पर 3 आ गई। अब मेरे को पता है कि जो टाइम निकलता है वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी से निकलता है, यानी कि कार्य अपॉन कार्य क्षमता से निकलता है, और जैसे ही मैं कार्य अपॉन कार्य क्षमता रखता हूँ यहाँ पर, जब काटता हूँ तो 4 दिन निकल करके आ जाएगा, 4 डेज, तो यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और मेरे को करना कितना है, बस ये लिखना था, यही तो लिखा है मैंने आपके सामने, बस क्वेश्चन पढ़ा है और ये लिखा है और आंसर आ गया आपका 4 दिन। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन करना, बाकी ये मैंने आपको बता दिया, अगर पेपर में लिखना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बाकी एलसीएम लेकर के लिखोगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है यहाँ पर। ठीक है।
और ये सातवां क्वेश्चन है, ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, कह रहा रोनाल्डो है, ठीक है, एलन है, जो काम करते हैं एज असिस्टेंट, ठीक है, रोनाल्डो काम करता है 6 घंटे लेता है वो 32 पेज लिखने के लिए, ठीक है, और कंप्यूटर पर, और वाइल जबकि एलन लेता है 5 घंटे 40 पेज लिखने के। अब कह रहा है हाउ मच टाइम विल दे टेकिंग टू वर्किंग टुगेदर ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर द टाइप ऑफ असाइनमेंट 110 पेज, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है जो रोनाल्डो है, रोनाल्डो क्या करता है, ये लिखता है 32 पेज, 32 पेज लिखता है, कितने दिन में पढ़ता है, 6 दिन में, ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब जब आप इसको काट दोगे तो 1 दिन का कार्य आ जाएगा, 1 दिन का कार्य होता है उसकी कार्य क्षमता, मतलब 1 दिन में कितना कार्य कर सकता है वो, उसकी एफिशिएंसी हो गई। ये किसकी एफिशिएंसी हो गई, ये रोनाल्डो की एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अब एलन की बात करें तो एलन कितना काम करता है भाई 1 दिन में, वो 40 काम है और 5 दिन लेता है 40 पेज को करने में, तो कितना हो गया, ये हो गया 8, यानी कि 8 इसकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी एलन की, ठीक है। अब जो पेजेस दिए गए हैं वो पेजेस दिए गए हैं 110 पेज करने हैं भाई, ठीक है, 110, ये क्या हो गया, ये वर्क हो गया जो आपको करना है, ठीक है, ये दोनों की एफिशिएंसी होगी। दोनों की एफिशिएंसी को अगर हम प्लस करते हैं, इसको मैं काटता हूं अगर, तो अगर मैं इसको काटूं, ठीक है, 2 से काटता हूँ अगर मैं, तो ये जाएगा कितने बार में, 32, 16 बार में जाएगा, 16 अपॉन, ठीक है, 16 ही बार में जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 16 अपॉन 3, ये होगी रोनाल्डो की एफिशिएंसी। अगर मैं एलन की एफिशिएंसी करूँ, ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी प्लस ही तो करनी है, मैं यहाँ पर मैं इसको यूं करके लिख सकता हूँ, और दोनों को मैं प्लस करता हूँ, 3 7 24 सॉरी 3 8 24, तो 16 यहाँ पर आ गया, प्लस 24 आ गया यहाँ पर, ठीक है, आपको एलसीएम लेना आता होगा और इस तरीके से प्लस करना भी आता होगा। जब इसको प्लस करूँगा तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4 अपॉन 3, ठीक है, ये क्या आ गई, ये आ गई इसकी एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी है, ये वर्क है एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई इनकी, 40 अपॉन 3, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी पता है आपको, ठीक है, वर्क पता है, टाइम निकालना है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आप निकाल लोगे कितना आएगा, 110 अपॉन 4 यहाँ पर रखोगे, जब 3 नीचे होता है तो वो 3 ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है, 0 से आप क्या करोगे, 0 को काटोगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आएगी वो 3 3, जब 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 आएगा, और 4 से इसको डिवाइड करना है। अब किस तरीके से डिवाइड करना है वो देखिए, अगर आप 4 से डिवाइड करते हो कितना आएगा, 8 बार में जाएगा, जाएगा ना 8 बार में, 32 आएगा, फिर कितना बचेगा, फिर बचेगा 1.4 ही तो बचेगा, ठीक है, 32 तो कट गया आपका, ठीक है, 32 कट गया, यहाँ पर देखो इस तरीके से करते हैं, 32 तो कट गया, यहाँ पर 33 है, 4 से करोगे 8 बार में, 8 बार में यहाँ 32 आएगा, अब कितना बचा यहाँ पर, 1 बचा, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, यानी कि 32 तक तो मैंने 8 लिख दिया, फिर क्या बचा, 1.4, और 1.4 को क्या लिखते हैं, 25% लिखा जाता है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और जब भी 25% लिखा जाता है या 1/4 लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर क्या डेज में आंसर देना है, डेज में और हावर्स में आंसर देना है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर 60 को 4 से, ठीक है, या 4 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है, अगर यहाँ पर आपको आंसर देखना किस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया मिनट में है, जब इसको काटोगे तो 15 बार में जाएगा यहाँ पर, यानी कि 15 मिनट निकल करके आ जाएगा, 15 मिनट निकल करके आ जाएगा, और यहाँ पर 8 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, अलग से क्या लगेगा, 15 मिनट और उनको लगेंगे लगेंगे, ठीक है। अब 25 देखकर यहाँ पर 25% में है ये, ठीक है,
25%, यानी कि जो एक दिन के जो 60 मिनट हैं, 60 मिनट का 25% है यहाँ पर, ठीक है। तो 60 मिनट का 25% कितना हो गया, 15 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। करा किस तरीके से वो आप देख लीजिए, ठीक है। इजी तरीके से किया है, और भी इजी तरीके से इसको किया जा सकता था, ठीक है। बाकी और इजी तरीके से कैसे होता, यहाँ पर आप डायरेक्ट डायरेक्ट इसको काट देते, 6 को यहाँ पर काट देते, कितना आया था, यहाँ पर आया था 16/3, और यहाँ पर 5 40 और 5 को काट देते, कितना आया था, यहाँ पर 8 आया था, दोनों को प्लस कर देते, कितना आया था, 40/3 आया था। 40/3 यहाँ पर रखते, 3 आपको पता है कि ऊपर चला जाता, और 40 के बगल में 0 था, 0 से 0 काट देते, 11 यहाँ था, 3 तो यहाँ था, ऊपर चला जाता, 33 हो जाता, 33/4 आ जाता आपका आंसर, ठीक है। 33/4 आ जाता, फिर इसको आप काटते तो आपका 8 तो आते ही आता, प्लस 1/4 आया था। आपको पता है कि 1/4 है, इसको हमें कितने मिनट में करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको मिनट में करना जाओगे तो 60 से डिवाइड करोगे, जैसे आप 60 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर जो है वो आपका 15 बार में चला जाएगा 60, ठीक है। जैसे 15 मिनट 15 बार में जाएगा तो यही आपका मिनट हो जाएगा, यानी कि 8 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में 15 मिनट अलग से लगेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो मैं करता तो मैं इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से करता, सीधे क्वेश्चन में ही उसका आंसर निकाल देता। बाकी आप जो हो, आप जो टेक्निकल में जिन्होंने यूपी मेट्रो का भरा हुआ है, उसमें टाइम इतना है कि आप ये मेथड लगा सकते हो, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन को और फास्ट और अच्छी कीजिए तो और भी कंपटीशन आपके निकलते रहेंगे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है ए कैन डू ए मच वर्क एज बी, कह रहा है ए बी से ज़्यादा वर्क कर लेता है, बी जो है वो दोनों मिलकर, ए कह रहा है ए ज़्यादा वर्क कर लेता है जितना बी और सी मिलकर के करते हैं, ठीक है। कह रहा है ए और बी कैन डू टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डे 9 आवर्स 36 मिनट, ठीक है। जो कह रहा है ए और बी मिलकर के 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं, और जबकि सी कैन डू द 48 मिनट में कर पाते हैं, ठीक है। द टाइम इन हावर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक जो कंसेप्ट लग रहा है वो आगे जाके कई क्वेश्चनों में लगेगा, तो वो वहाँ पर इकट्ठे मैं करा दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मेरे को उनके साथ लेना था, ये यहाँ पर गलती से डाल दिया है, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके हो गए हैं जो मेरे को बाद में कराना है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब 9 क्वेश्चन है यहाँ पर। कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन में कर लेता है, बी कर लेता है 15 दिन में, दे दोनों करते हैं 5 दिन में काम करते हैं, मगर क्या करते हैं, एंड देन बी छोड़ के चला जाता है। दोनों मतलब दोनों मिलकर 5 दिन तो काम करेंगे करेंगे, फिर 5 दिन के बाद जो है वो बी छोड़ के चले जाएगा, फिर बचा हुआ काम जो है वो ए करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने हिंदी में ही बोला है, ठीक है। अब इंग्लिश हिंदी वालों को कोई दिक्कत होगी होगी नहीं, और इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कह रहा है ए ने जो काम किया है वो देखो कितनी क्वेश्चन को कितना फास्ट तरीके से किया जा सकता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 15 12 दिन में, और बी कितने दिन में करता है भाई, 15 दिन में करता है। अब दोनों की जो अगर मैं दोनों में एलसीएम देखूँ तो कितना जो होगा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो सकता है, वो हो सकता है 60, इससे कम नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर 60 देखूँ तो 12 12 5 60 होता है, और 15 चौके 60 होता है, ठीक है। और ये जो मैंने बताया था ये इंटू में जो भी आता है यहाँ पर, ठीक है, तो वो जो इंटू जिसकी मल्टीप्लाई कर की जाती है वो इसकी एफिशिएंसी हो जाती है। ये दोनों एफिशिएंसी हो गई इसकी, अगर एफिशिएंसी दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अगर एफिशिएंसी मैं देखूँ तो दोनों की 9 एफिशिएंसी हो गई है ना, 9 एफिशिएंसी, हाँ 9 एफिशिएंसी हो गई। दोनों ने कितने दिन मिलकर काम किया है, 5 दिन मिलकर काम किया है, तो कितना काम कर लिया उन्होंने, उन्होंने काम किया है 45 काम उन्होंने कर लिया है, ठीक है। तो काम कितना बचा है, काम बचा है 15 काम, 45 काम देखो आप देखो ना, ये है 60 है, टोटल काम 60 था, इसमें से 45 आप घटा दोगे तो 15 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब जो 15 आपका आ गया है, अब उसको बी को करना है अकेले, क्योंकि ए को करना है अकेले, बी ने तो छोड़ दिया काम, भाई कह रहा मेरे से नहीं होगा भाई, तुम लगे रहो इसमें, पैसे वैसे नहीं मिल रहे, ठीक है। तो बी आया भाई, ए आया, कह रहा चल भाई कोई नहीं मैं ही कर लेता हूँ, थोड़ा सा ही तो काम है। तो इसको जब इतने काम को जब ए अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा तो 3 दिन में काम वो कर लेगा, तो यहाँ पर 3 डेज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 डेज यहाँ पर आंसर आ जाएगा, बचा हुआ काम ए जो है वो 3 दिन में कर लेगा, इजी तरीके से कर लेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर जो एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला,
वो यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, वो देखते हैं किस तरीके से होता है। आपको मैंने बताया था, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि ए कुछ दिन में काम करता है, ये डेज हो गए, बी कुछ दिन में काम करता है, ये डेज हो गए। यहाँ पर इनका एलसीएम ले लिया जाता है। जब भी एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों में जो एलसीएम लिया जाता है, जो इनका मतलब जो डिफरेंट वैल्यू होती है, वो यहाँ पर को रिलेटिव जो नंबर होता है, को प्राइम नंबर, वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा, वर्क में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, वर्क में क्या आता, को प्राइम नंबर आ जाता है। को प्राइम मतलब जो इसमें भी हो, इसमें हो इसमें ना हो, और जो इसमें हो इसमें ना हो। बोले तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक्स है, ठीक है, यहाँ पर अगर वाई है, तो यहाँ पर एक्स मान लीजिए, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर टू है, और यहाँ पर मान लीजिए टू है, तो टू तो आएगा ही आपका साथ में, साथ में तो वाई भी आएगा, ठीक है। और इनको जो कहा जाता है, ये को प्राइम नंबर हो गए, दोनों मतलब किसी, दोनों एक दूसरे को नहीं काट सकते, उनको कहते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। ये को प्राइम नंबर हो गए, जो दोनों में कॉमन होगा वो एक एक डिजिट यहाँ पर ले ली जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा एलसीएम है वो काम करता है, ठीक है। अब जो कार्य क्या होता है, कार्य जो होगा वो हमारा होता है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर के मैं बात करूँ, कह रहा ए जो है वो 5 दिन में काम कर लेता है, बी जो है वो एन दिन में काम कर लेता है, हाउ मैनी डे विल इट्स टेक टू कम्प्लीट द वर्क, ठीक है, अगर दोनों साथ में करते हैं तो। कह रहा ए ये रहा, बी ये रहा, ये कितने एम दिन में काम कर लेता है, और ये कितने में एन दिन में काम कर लेता है। मैं इन दोनों को लेकर के बोलता हूँ, कहता हूँ जो इसमें से कॉमन हो वो लिख लीजिए, कॉमन क्या आएगा, एम और एन आएगा, ठीक है। जब एम और एन आता है, मैं कहता हूँ इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए, इन दोनों को कंपैरिजन करना है, इन दोनों में क्या नहीं है, एन नहीं है, तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। इन दोनों में क्या नहीं है, इन दोनों में एम नहीं है, तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी ये आ गई है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे पास काम तो दिया गया है, काम कितना है, वर्क कितना दिया हुआ है, एम और एन, ये इसका टोटल वर्क है, और एफिशिएंसी दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, ए प्लस बी अगर साथ में मिलकर के काम करते हैं, ठीक है, ए प्लस बी, तो एम की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, एन हो गई, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, एम हो गई, तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो दिन निकल करके आ जाएंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी अगर हम करते हैं तो दिन निकल करके आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे, हमारे जो दिन लगते हैं वो दिन आ जाएंगे, ठीक है। अब जो दिन निकल करके आएंगे वो कैसे आएंगे, देखो एम और एन, ये तो टोटल वर्क हो गया, और जो यहाँ पर जो एफिशिएंसी है इन दोनों की मिलाकर वो कितनी है, एन प्लस एम, ये एफिशिएंसी है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, बस आगे पीछे लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये डेज में आपका आंसर आ गया, यानी कि ये आपका फोर्थ इधर राइट आंसर है। इसको इजीली आप क्वेश्चन को देखकर भी कर सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर आपको मैंने समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कहाँ है, कह रहा तीन आदमी हैं, थ्री मैन ए बी एंड सी, अच्छा तीन लोग हैं ए बी सी, दोनों तीनों जो हैं वो साथ में काम करते हैं, कैन डू ए जॉब इन 6 घंटे, मतलब तीनों मिलकर 6 घंटे काम करते हैं, ठीक है, फिर लेस लेस टाइम देन ए, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ इसको, थ्री मैन ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 6 आवर लेस देन टाइम देन ए अलोन, जितना ए दिन ए काम करता है उससे कम में ये काम करते हैं, इन ए हावर लेस देन बी अलोन एंड इन 1 आवर 1.5 आवर देन द टाइम नीडेड बाय सी। कह रहा है व्हेन वर्किंग अलोन देन ए एंड बी टुगेदर, देखो ये वर्क वाले जो हावर वाले हैं ना, ये मैं एक साथ ही करूँगा आपको, क्योंकि इन सभी में एक ही कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, इन सब में एक ही कंसेप्ट लगेगा, और वो मैं जब ये, ठीक है, इनमें जो अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनमें कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने के बाद फिर मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लिख के रख लेना या स्क्रीनशॉट इसका खींच लेना, ये इकट्ठे में कराऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है ए लेता है 3 टाइम्स एज लॉन्ग, कह रहा है ए जो लेता है वो 3 गुना लेता है जो टाइम है बी से, ठीक है, और बी एंड सी दोनों काम करते हैं उससे, कह रहा है बी टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज
ए एंड सी, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। ए लेता है, ए